शारीरिक रोग का सामना। डॉक्टर अंबेडकर जब बॉम्बे से आकर दिल्ली ही रहने लगे तो अकेले आए थे। उनकी पहली पत्नी रामाबाई का देहांत सन 1935 में ही हो चुका था और पुत्र यशवंत राव बॉम्बे में ही रहता था। यहाँ आने के बाद उनकी टांगों का दर्द, विशेषकर पिंडलियों का, बढ़ता जा रहा था। उनकी अदम्य कार्य क्षमता को चोट पहुंचाने वाली उनकी निरंतर रुग्णता की स्थिति बन गई थी। निरंतर रोगग्रस्तता ने उन्हें पंगु बना दिया था। वे अच्छी तरह चल तथा टहल नहीं सकते थे। उनका स्वास्थ्य भी रुग्णता से घिरने लगा था। हालांकि उनका चेहरा क्रांति से चमकता था। जब डॉक्टर साहब सितंबर 1947 में भारत सरकार के प्रथम विधि मंत्री बने तो उन्हें हार्डिंग एवेन्यू की कोठी निवास स्थान के लिए मिली। उसके पूर्व वे वेस्टर्न कोर्ट के रूम नंबर 11 में रहा करते थे। उन्हीं दिनों उनकी दोनों टांगों के निचले भाग अर्थात पिंडलियों में प्रातः 3-4 बजे असहाय पीड़ा प्रारंभ हो जाती थी। वह सूर्य उदय तक दीवार का सहारा लेकर इधर उधर चक्कर काटते रहते थे। उनमें बहुत बेचैनी होती थी। लेकिन जब उनके शिष्य तथा अन्य लोग पुरानी रुई सेक सेक कर बाबा साहब की पिंडलियों को सेकने लग जाते थे तब उन्हें उससे आराम मिलता था और वे 2-3 घंटे सो जाते थे। 40 की उम्र के बाद यह असहाय रोग उनके गले लग गया था जिसने उन्हें वृद्धावस्था तक पीड़ित रखा। जब वे वेस्टर्न कोर्ट में ही रहते थे तब श्री सोहनलाल शास्त्री एक वैद्यराज एवं गुरुकुल कांगड़ी के आयुर्वेदाचार्य श्री सुंधवा को लाए। वैद्यराज ने बाबा साहब का बारीकी से निरीक्षण किया और कहा कि वे मधुमेह जैसे असाध्य रोग से पीड़ित हैं। उनकी टांगों में जो पीड़ा होती है वह उसी मधुमेह रोग के कारण है। वैद्यराज जी ने सलाह दी कि मधुमेह के रोगी को स्त्री संग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब से कहा, आप चिरवधुर हैं, यदि आप विवाह कर लो तो स्वस्थ हो सकते हैं। यह बात सुनकर बाबा साहब को गुस्सा आ गया और आक्रोश में बोले कि तुम्हें वैद्य की उपाधि किसने दी, आप मेहरबानी करके अपना रास्ता नापें और मुझे यहीं छोड़ दें। उन्हें रोग अवश्य था पर बाबा साहब को अपनी सेहत एवं स्वास्थ्य की किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों, वैद्यों तथा हकीमों से उपचार कराने में उनकी रुचि नहीं थी। अपनी पिंडलियों पर वे कच्चे खोपड़े नारियल के तेल से मालिश करवाते थे जिससे उन्हें आराम मिलता था। उसी तेल को स्नान करने के पश्चात अपने सर पर लगाते थे, फलतः वृद्धावस्था में भी उनके बाल काले थे। बाबा साहब की टांगों का दर्द निरंतर थोड़ा बहुत बना रहता था। बिलिंगटन हॉस्पिटल के अनुभवी तथा शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर उनका निरीक्षण करते रहते थे। उनको रोजाना इंसुलिन का टीका लगाया जाता था। डॉक्टर जिवाजीराव मेहता भी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री, प्रसिद्ध डॉक्टर और संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब का कई बार निरीक्षण परीक्षण कर चुके थे। उनकी राय यह थी कि यदि बाबा साहब अपने दांत निकलवा दें तो उनकी टांगों का रोग दूर हो सकता है। उनके दांत दाढ़ें बहुत मजबूत थीं। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें उखड़वाया जाए, भले ही उनका रोग निरंतर बना रहे। श्री सोहनलाल शास्त्री दिल्ली के प्रसिद्ध हकीम हाजिक सिराजुद्दीन को भी बाबा साहब की कोठी पर लाए ताकि उनका रोग नियंत्रित हो जाए। हकीम जी ने बाबा साहब को अच्छी तरह देखा, उनकी नब्ज देखी, उनकी पिंडलियों को दबा कर देखा, उनके दांतों दाढ़ों को गौर से देखा और कहा कि आप अपने दांतों दाढ़ों को डॉक्टर की सलाह पर कतई मत निकलवाना। हकीम साहब ने उन्हें डायबिटीज की बीमारी बतलाई, अतएव शक्कर चावल आदि छोड़ने की उन्हें सलाह दी और यह भी कहा कि इंसुलिन का टीका बराबर लगाते रहें। इस प्रकार इलाज चलता रहा पर कोई विशेष आराम नहीं मिला और वे कष्टदायक रोग का सामना करते रहे। उनकी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं आ पाई। रोग के दौरान ही उन्होंने संविधान का मूल रूप तैयार किया और हिंदू कोड बिल की पृष्ठभूमि बनाई थी। यह भी एक कारण था कि निरंतर पढ़ते लिखते रहने ने उनके रोग को ठीक नहीं होने दिया। उन्हें बेला मंदिर के बौद्ध विहार के भिक्षु धम्मलोक ने योग क्रियाओं का महत्व बतलाया। बाबा साहब को योग क्रियाओं पर विश्वास था और उन्होंने कुछ एक सीखे भी, लेकिन उनके पास समय कहाँ था। कुछ दिन आसन ध्यान किए और फिर उन्हें छोड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर के एक और विश्वास पात्र डीजी जाधव ने, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर थे, उनके इलाज के लिए बॉम्बे का एक डॉक्टर ढूंढा जो बिजली लगाकर इलाज करता था। जाधव साहब ने बॉम्बे के डॉक्टर मालवंकर का नाम बतलाया। वह काफी दिनों तक डॉक्टर साहब को इलाज के लिए राजी करने में लगा रहा और अंत में बाबा साहब बॉम्बे उपचार हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। वे एक दिन डॉक्टर मालवंकर के क्लिनिक में पहुंच गए। सर्वप्रथम उस अयोग्य डॉक्टर ने उनके मजबूत चमकीले दांत दाढ़ उखाड़ दिए और तत्पश्चात बिजली लगाकर उनका इलाज करता रहा। लगभग एक सप्ताह तक वे वहां रहे। उनका रोग तो दूर नहीं हुआ पर क्लिनिक में काम करने वाली डॉक्टर महिला शारदा कबीर के प्रेम में उन्हें फंसवा दिया,
जो बाद में जाकर उनकी दूसरी धर्मपत्नी बनी। मिस शारदा कबीर से शादी का रिश्ता इसलिए तय हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली में अकेले रहते थे, उनकी देखभाल के लिए कोई अपना आदमी नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, उनकी सगी बहन भी मर चुकी थी, उनका पुत्र यशवंत राव अविवाहित था। ऐसी स्थिति में वे नौकरों पर ही आश्रित थे, जैसा खाना मिल जाता वे खा लिया करते थे। डॉक्टर धर्मपत्नी से यह लाभ था कि वह प्रतिदिन इंसुलिन का टीका लगा दिया करेंगी और उनके भोजन आदि की व्यवस्था अच्छी तरह करती रहेंगी। इस लक्ष्य को लेकर पुनर्विवाह संपन्न हुआ, हालांकि बाद में उस धर्मपत्नी से उन्हें विशेष लगाव नहीं हुआ और घर की शांति भंग हो गई। भीमराव मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ थे, शारीरिक रोग ने उन्हें दुर्बल बना दिया था। एक बार उन्हें खूनी पेचिस हो गई, डॉक्टर पत्नी ने उन्हें उबले हुए भुट्टे खिला दिए थे। उसी रात वे दस्तों से पीड़ित हो गए थे, रात भर टट्टियां जाते रहे, यहाँ तक कि उनका बिस्तर भी गंदा हो गया। रात भर उनके पेट में दर्द रहा। प्रातःकाल धोबी ने बतलाया कि उन्हें खूनी पेचिस हो गई है, उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। उनसे प्रार्थना की गई कि वे हॉस्पिटल चलें, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वे कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे। बड़ी मिन्नतों पर वे विलिंगटन हॉस्पिटल के नर्सिंग होम में दाखिल हुए। वे ठीक तो हो गए पर उनका स्वास्थ्य अधिक गिर गया। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि भुट्टो के खाने से गड़बड़ी हुई है, अतः वे डॉक्टर पत्नी पर बड़े नाराज थे, उससे कतई बोलना नहीं चाहते थे। चूंकि वे अधिक जमकर बैठने वाले थे इसलिए उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी। वे मधुमेह के रोगी थे और वृद्धावस्था में पहुँच कर भी वे सारा दिन सारी रात पढ़ने लिखने का ही काम किया करते थे, इसलिए उन्हें रोग से कोई छुटकारा नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसी वैसी खाद्य वस्तुएं पचती भी नहीं थीं। निसंदेह मधुमेह रोग ने डॉक्टर अंबेडकर के स्वास्थ्य को रसातल में पहुंचा दिया था। वे चलने फिरने से मजबूर हो गए और सीधे बैठना भी उनके लिए कठिन हो गया था, परंतु वह वीर और साहसी फिर भी एक सफल नाविक की भांति अपने जीवन नौका को पार कर गए। उनकी जीवन नौका को उनके नेत्र रोगों ने भी भयंकर रूप से झंझोरा था, परंतु उनका अदम्य साहस, धैर्य एवं मिशन उन्हें निरंतर संघर्ष में बनाता चला गया। इसी रोगी अवस्था में भीमराव ने महान ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म की रचना की, संविधान का प्रारूप तैयार किया, उसके लिए संविधान सभा में निरंतर बहसें की, बाद में हिंदू कोड बिल के लिए दिन रात परिश्रम किया, जीवन के अन्य काम भी करते रहे और दूर दूर जाकर दलितों के बीच भाषण भी करते रहे। रुग्णावस्था में रहकर अपने मिशन की पूर्ति बिरले व्यक्ति ही कर पाते हैं। दलितों के कल्याण की भावना ही भीमराव को निरंतर प्रेरित करती रही। इसी आत्मीयता की भावना ने भीमराव को अदम्य साहस और शक्ति प्रदान की। वे अपने असाध्य रोग को नाचीज समझते रहे। आज न भीमराव है और न वह रोग, पर उनका जीवन मिशन एक प्रकाश स्तंभ के रूप में निरंतर प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।